उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पागबड़ा पुलिस ने आज 24 घंटे में ही लूट की वारदात का सफल अनावरण कर दिया। 24 घंटे बाद ही लूट की घटना का अनावरण करते हुए मुरादाबाद एसपी सिटी ने आज बताया कि 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं उनसे 3 लाख से ज़्यादा की बरामदगी की गई है। साथ ही साथ 2 मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में 24 घंटे पहले एक लूट की घटना को 5 आरोपियों ने एक साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें सुनियोजित तरीके से उस लूट की वारदात की को षड्यंत्र के रूप में तैयार किया गया था, क्योंकि जो कलेक्शन एजेंट के साथ में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन मुरादाबाद की पुलिस ने 5 ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक आरोपी जो मुख्य है उसकी ही निशानदेही पर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इसमें एक जो अमेजॉन कंपनी में कार्यरत एक कर्मचारी के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी, जिसमें वो सफल भी हुए, लेकिन 24 घंटे बाद ही मुरादाबाद की पुलिस ने उन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और अब जेल भेज दिया है। कल यानी 27/8/2024 को थाना पागबड़ा क्षेत्र में एक घटना घटी थी लूट की, जिसमें 2 बाइक सवार 4 व्यक्तियों ने एक कैश कलेक्शन एजेंट से 3,12,483 रुपये लूट लिए थे और वो मौके से फरार हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने उसमें तत्काल एफआईआर दर्ज की और सूचना प्राप्त होने के बाद हमारे जो सीओ हाईवे हैं और एसएचओ पागबड़ा की टीम और हमारी एसओजी की टीम, इन सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से हम लोगों ने 24 घंटे के भीतर ही इस घटना का अनावरण किया है और इसमें 100% रिकवरी हुई है। यानी जो हमारी जो जितनी कैश लूटी गई थी वो लगभग 100% हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। 2 बाइक जो उस घटना में प्रयुक्त की गई थी, दोनों बाइक बरामद कर ली गई है और जो 4 लोग मौके से लूटने वाले थे और एक व्यक्ति जिसने पूरी इस घटना को कॉन्स्पायर किया था, जिसके टिप ऑफ पे ये घटना कारित की गई थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार जो कैश जो लूटी गई थी वो 100% बरामद हो गई। उसके बाद जो हमारे 5 क्रिमिनल्स थे, इन लोगों के पोजिशन से कुछ डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड्स, आधार कार्ड्स, एक जो उसमें अनुज है जो आप कह सकते हो मास्टरमाइंड है, उसके पोजीशन से तमंचा और जो बाइक्स और इस तरह से जितने सारे इस घटना में प्रयुक्त आइटम्स थे सभी हम लोगों ने रिकवर कर लिए हैं और ये 5 अरेस्ट हुए हैं। ये 5 बेसिकली बरेली के रहने वाले हैं और इन सब लोगों ने मिल करके इस घटना को एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से, प्लान्ड तरीके से एग्जीक्यूट किया था। जो कलेक्शन एजेंट था उसके मूवमेंट को इन लोगों ने ट्रैक किया था, उसकी रेकी की थी और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें हम लोगों ने 100% रिकवर करके 5 को जेल भेज रहे हैं और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या वादी को पहले से जानते थे, क्या कुछ बताया पूछताछ? इसमें जो एक कलेक्शन एजेंट बेसिकली अमेजन का कैश कलेक्शन करता था, रेडियंट कंपनी है उसी का ये एम्प्लॉई था, जो थाना कटघर क्षेत्र का रहने वाला है और जो एक एक्यूज्ड है, जो एक अपराधी पकड़ा गया है जिसका नाम प्रदीप है, ये उसी अमेजन कंपनी में काम करता था और इसी ने अपने सभी जो बाकी 4 अन्य क्रिमिनल्स हैं इन लोगों से ये टच में था, पहले से जान पहचान थी इसकी और इसी ने उनको सूचना दे दिया था और इस कलेक्शन के बारे में प्रदीप ने ही अपने साथियों को बुलाया और उसके बाद उसके सूचना के आधार पर ये स्पेसिफिक सूचना थी और उसी के आधार पर क्राइम वहाँ पे कमिट किया गया था, तो इसमें हम लोगों ने उसको भी अरेस्ट कर लिया है। इस प्रकार सूचना बेस्ड ये क्राइम था और इसमें अरेस्टिंग हुई और सभी रिकवरी हो गई। कितना कैश था? 3,12,483 रुपये उसमें लिखाए गए थे, लेकिन इसमें जो 5,7,000। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।